हमीरपुर भाजपा के नए अध्यक्ष पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की ताजपोशी हुई है। हमीरपुर सर्किट हाउस में बलदेव शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर हमीरपुर जिला चुनाव प्रभारी अजय राणा, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, नवीन शर्मा, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, अंकुश दत्त शर्मा मौजूद रहे। हमीरपुर से प्रदेश कार्य समिति के लिए सुजानपुर से पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, हमीरपुर से विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरन से विधायक कमलेश कुमारी, नादौन से विजय अग्निहोत्री और बरसर से प्रकाश चंद को सर्वसहमति से चुना गया। हमीरपुर सर्किट हाउस में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया के बाद हमीरपुर चुनाव प्रभारी अजय राणा ने विधिवत तौर पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी का जश्न मनाया और मिठाई भी बांटी। तीसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बलदेव शर्मा ने कहा कि हमीरपुर में बीजेपी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाकर जिला को हुए पिछले चुनावों में नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता रहेगी ताकि 2022 के चुनावों में हमीरपुर जिला की पूरी सीटों पर बीजेपी काबिज हो। जिला अध्यक्ष के पद को लेकर बीजेपी में चले हुए घमासान पर बलदेव शर्मा ने कहा कि हर संगठन में छोटे मोटे मन मुटाव होते हैं जिन्हें मिल बैठकर दूर कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में नए और पुराने दोनों कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके। चुनाव प्रभारी अजय राणा ने कहा कि हमीरपुर में सर्वसहमति से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है और जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा को चुना गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हमीरपुर जिला में जिस तरह से लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया है, इसी तरह अब 2022 में भी बीजेपी जिला में अव्वल रहेगी। देश में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई के विरोध में सीटू पार्टी ने हमीरपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली और जोरदार नारेबाजी की। सीटू कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की मालाएं पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू कार्यकर्ताओं ने प्याज के बढ़ते रेटों पर लगाम न लगाए जाने पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मांग की कि जल्द महंगाई पर लगाम लगाई जाए। प्रदर्शन के दौरान सीटू राष्ट्रीय सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह, अनिल मनकोटिया, जोगिंदर सिंह भी मौजूद रहे। सीटू नेता जोगिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई को रोकने के लिए नाकाम सिद्ध हुई है और इस कारण देश के अंदर सट्टाबाजारी के साथ काला बाजारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज प्याज की कीमतें आसमान छू रही है लेकिन मोदी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी के द्वारा देश के अंदर लागू की गई नीतियों से दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे मजदूर वर्ग की कमर टूट रही है। वहीं सीटू नेता अनिल मनकोटिया ने कहा कि देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और सरकार की नीतियों की वजह से देश के लोग महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा 8 दिन तक महिला सुरक्षा के लिए खर्च नहीं किया गया है जिसके कारण लोग त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में नए बनाए गए जिला अध्यक्ष पर महिला शोषण के आरोप लग चुके हैं जिससे पता चलता है कि बीजेपी पार्टी किस मानसिकता की पार्टी है।